अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो, अनदर बेस्ट डे। आज हम फैमिली के साथ निकले हैं नारायण का खान जाने के लिए, तो मैंने कहा मैं क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग भी आप लोगों के लिए रेडी कर लूँ। तो पहले हम लोग नथिया गली गए हैं, नथिया गली में हम लोगों ने खाना वगैरह खाना था, तो हम पहले नथिया गली गए। यहाँ पर बहुत फ़नी सीन हुआ हमारे साथ, हमने खाने के लिए छलियाँ ली, तो हम खा ही रहे थे, इतने में इन सब ने आके हल्ला बोल दिया। हमने जल्दी से सब इनकी तरफ फेंक कर, हम लोग वहाँ से जल्दी से गाड़ी में आकर फेंके, क्योंकि इतने ज़्यादा थे, इनको देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हम आके गाड़ी में बैठ गए और आप ये देख सकते हैं कितने ज़्यादा थे, और हमारे पास मोस्टली 4 या 5 छलियाँ थी जो हमने इनको दी हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर कुकिंग ख़ुद की है घर पर, सॉरी घर पर नहीं, यहाँ पर जंगल में हमने आग लगाई और हम लोगों ने चिकन कढ़ाई बनाई। एक कढ़ाई मेरे हस्बैंड ने बनाई थी और वो इतनी यम्मी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। कुछ भी हो जाए, शौहर साहब के हाथ से खाने का ना मज़ा ही कुछ और है, इतना लजीज खाना बनाते हैं कि भूख लग जाए इंसान को। और इस तरह जंगल में बैठ के इतने हसीन मौसम में खाने की तो क्या ही बात है। मौसम मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इतना प्यारा कोई मौसम था और ये इतना मज़े का कोई जंगल था कि मतलब इतने लंबे लंबे इसमें दरख्त थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी नज़र जहाँ तक जा रही है ना तो ये सारे ट्रीज़ ही वहाँ तक हैं। खैर, मैंने छोटा सा ये क्लिप कैप्चर किया इसके लिए। इसके बाद हम लोग यहाँ से आगे रवाना हो गए, आगे हमने जाना था नारायण का खान की तरफ। नथिया गली में हमारा बस चलते फिरते वाला था, इतना हम रुके नहीं है वहाँ पे जाके। अच्छा, यहाँ से आगे गए तो हमें कुछ फ्लावर्स मिले बहुत ही प्यारे, इनको मैंने खुद से नहीं तोड़ा, कुछ मेरी अम्मा ने मुझे ला के दिए, तो मैंने कहा क्यों ना मैं छोटा सा सीन कैप्चर कर लूँ, क्योंकि ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, इसके बाद शौहर साहब भी जी मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत करके फ्लावर्स तोड़ के ले आए हैं माशाल्लाह से, तो मैंने कहा मैं ये सीन भी लाजमी इस व्लॉग में कैप्चर करूँगी। ये इतने प्यारे थे, काफ़ी देर तक मैंने इनको संभाल के रखा, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा मुरझा गए और ख़राब हो गए, तो मैंने इनको फेंक दिया। और ये बहुत क्यूट सा सीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ये छोटी सी मंकी ऐसे अपनी मम्मा के साथ चिपकी हुई है, मुझे ये बहुत सारी क्यूट लगी। एक ये है और एक ये, दोनों को मैंने जो है वो बहुत ही प्यार से देखा, यानी कि मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके बाद हम हाथ में हाथ लिए ये अपना स्लोमो बना रहे थे, क्योंकि ये छोटे छोटे क्लिप्स बना के मैं टिकटॉक पे भी डाल देती हूँ, वहाँ पे भी मेरा अकाउंट है, अगर आप लोगों ने वहाँ पे फॉलो करना है मुझे तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं अपनी आईडी जो मेंशन कर दूँगी, आप लोग मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, तो मौसम अभी शाम होने वाली थी, बहुत सर्दी होने वाली थी, हम नारायण पहुँचने वाले थे, थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बता दूं आपको। एक क्यूट सीन और मैं कैप्चर करवाऊंगी, यहाँ पर जावी सो रहे थे और इन्होंने आइसक्रीम भी खानी थी, हमें रास्ते में कहीं से आइसक्रीम मिल गई और हम इनको आइसक्रीम खिलाते रहे खिलाते, और फुल नींद में थे लेकिन फिर भी इन्होंने आइसक्रीम नहीं छोड़ी और पूरी आइसक्रीम ख़त्म की, इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। वेल, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा बच्चा है, फूफो की जान है ये क्यूट सी। एक जगह हम लोग रुके हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारा बहता पानी था कि मैं मतलब बहुत मुझे अच्छा लगा और मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रही थी। मैंने जूम किया, अच्छा मोस्टली ये होता है जो चीज़ हम लोग आंखों से देख रहे होते हैं ना वो चीज़ हम फ़ोन में कैप्चर नहीं कर सकते, जितना भी हम करना चाहें वो नेचुरल चीज़ जो आप देख रहे होते हैं वो चीज़ आप फ़ोन में कुछ भी हो जाए भाई आप कैप्चर नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हसीन जगह है, इतनी मज़ेदार जगह है कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ आने के बाद माइंड फ्रेश हो जाता है। नारायण में हमने स्टे करना है क्योंकि हमने सुबह जाना है बाबूसर टॉप तक, तो इस वजह से नारायण में स्टे करना तो मस्त था क्योंकि इतना लंबा ट्रैवल नहीं कर सकते थे। यहाँ पे हमने नाइट स्टे किया, खाना हमने यहाँ पे भी बनाया था पर वो चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। रात में तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, अभी मैं आपको मॉर्निंग व्यू दिखाती हूँ यहाँ का, जहाँ पर हमने नाइट स्टे किया है, बहुत ही मज़े की जगह थी, बहुत ही प्यारी जगह थी। और इन पहाड़ों में रहने की तो भाई बात ही अलग है, मैं आपको बता नहीं सकती कि यहाँ पे रहना कितना अच्छा लगता है। वेल, अब यहाँ से हम लोग बाबू से टॉप जाएंगे, तो वो वीडियो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं देखने में तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।